पतंजलि योगपीठ भारत स्वाभिमान न्यास जलंधर के जिला प्रभारी सुधीर सक्सेना और महामंत्री सतविंदर सिंह कुंदी द्वारा स्वामी रामदेव के निर्देशानुसार स्कूल कॉलेजों में योग शिविर लगाने की कड़ी में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस्ती शेख जलंधर में एक दिवसीय योग शिविर लगाया गया, जिसमें सतविंदर सिंह कुंदी, सुधीर सक्सेना, कविता कक्कड़, ईशा नेहा ने विद्यार्थियों से योग आसन और प्राणायाम करवाए और सुधीर सक्सेना ने योग द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखने का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, जिसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल बलजीत कौर और स्कूल के पूरे स्टाफ ने आए हुए गणमान्यों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया और अल्प आहार करवाया। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजवीर की रिपोर्ट। सभी बच्चे आंखें बंद कर लेंगे, कोई भी मुद्रा लगाकर ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये यहां पे अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे, हाथों को ऐसे स्किट नहीं करेंगे, हाथ उंगलियां ऐसे रहेंगी। जो भी आप प्राणायाम करेंगे उसकी एनर्जी जो भी होगी आपकी हाथों की उंगलियों में आएगी, ठीक है, समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया, गुड डिसिप्लिन। ऐसे ही देखो, शांत रह के सारे काम करोगे तो आपको कितना आनंद आएगा। महसूस करें इस क्रिया को, वात पित्त कफ का संतुलन हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रबल हुआ है, ऊर्जा का, ऑक्सीजन का विकास हुआ है। हाँ जी, ओम जी, मैं सुधीर सक्सेना, जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान न्यास पतंजलि योगपीठ से हूँ, और आज हम लोग यहाँ ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स स्कूल में हम लोग योगा कराने आए थे सुबह से, और बहुत अच्छा अनुभव रहा, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया योग को, और ये योग की धारा निरंतर बहती रहेगी और हम लोग इस सेवा में लगे रहेंगे। हमारे साथ थे श्री सतविंदर सिंह कुंदी जी और श्रीमती कविता जी, जो खुद एक टीचर हैं और योग में परफेक्ट हैं, तो इस तरह से, और मेरे साथ मेरी बेटियां भी आई थी, बेटियां दोनों हैं, दो लोग बेटियां मेरी आई थी यहाँ पर, और वो दोनों यहाँ उपस्थित हैं, और उनको इतना, उन्होंने 6-7 महीने में इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि इसका कोई कहा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब अगर हम बच्चों को एक सही मानों में अगर ज्ञान दें तो ये लोग फिजिकली स्वस्थ होंगे, इनको एक बॉडी एक प्लान मिलेगा ठीक करने का कि कैसे हम लोग अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, मेंटली ठीक होंगे, इनकी परसेंटेज बढ़ेगी, व्याधियां ख़त्म होंगी शरीर की, और एक जो होता है डिप्रेशन सा आ जाता है, जहाँ मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों को आजकल डिप्रेशन आ रहा है, वो डिप्रेशन दूर होगा। श्रद्धे स्वामी रामदेव जी द्वारा घर घर में योग जो उन्होंने एक प्लान किया हुआ था, उसके आधार पे हम आज सीनियर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस्ती शेख में हमें मौका मिला बच्चों के साथ योग करने का। बहुत अच्छा लगा कि आजकल की युवा पीढ़ी योग की ओर ध्यान दे रही है, आगे भी हम ऐसे ही बच्चों को योग में लेके आएंगे और उनको आने वाले जीवन में कैसे योग द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखना है उसके लिए प्रेरित करते रहेंगे। मैं स्कूल के प्रिंसिपल मिसेस बलजीत कौर जी का, उनके स्टाफ मेंबर का और उनके स्टूडेंट्स का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो उन्होंने आज हमें स्कूल में एक दिन का योग शिविर लगाने का मौका दिया। धन्यवाद। ऊपर हाथ उठाइए सभी। हर कौन से एक बार फिर रुक जाए।